हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे वी विल सी लैंग्वेज स्टडी ऑन पेज नंबर 84 ऑफ योर माय इंग्लिश बुक 8. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 84 पे माय इंग्लिश बुक 8 के लैंग्वेज स्टडी वो देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर दिया है नंबर 1, कोऑर्डिनेशन. ऑब्जर्व द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें दो क्लॉज दिया ले है, वो आप ध्यान से देखिए. नंबर 1, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग. वो इंटेलिजेंट है, वो हार्ड वर्किंग है. नंबर 2, आसिफ वाज टायर्ड बट ही कुड नॉट रेस्ट. आसिफ थका हुआ था लेकिन वो आराम नहीं कर सकता था. नंबर 3, यू कैन गो फॉर अ वॉक और यू कैन एक्सरसाइज एट होम. आप वॉक के लिए जा सकते हैं या घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं. नंबर 4, सीमा हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर सो शी कैन अटेंड स्कूल. सीमा फीवर से, बुखार से रिकवर हो चुकी है तो वो स्कूल अटेंड कर सकती है. तो ये हमने 4 सेंटेंसेस देखे. ईच ऑफ द अबव सेंटेंस हैव क्लॉजेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीट सेंस. ऊपर जो सेंटेंसेस है उसमें दो दो क्लॉज है जो एक के ऊपर दूसरा डिपेंड नहीं है. जैसा कि ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, वो होशियार है. अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें अधूरापन हमको महसूस नहीं हो रहा. और दूसरा जो सेंटेंस है, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाला है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस का इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है. और यहाँ पर भी वैसा ही है, आसिफ वाज टायर्ड, आसिफ थका हुआ था, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया. और उसके बाद ही कुड नॉट रेस्ट, वो आराम नहीं कर सकता, ये भी एक सेंटेंस हो गया. ये सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं है, ये सेंटेंस इस पर डिपेंड नहीं है. तो ये ऊपर के चारों सेंटेंस में वैसा ही है. ये सेंटेंस, हर सेंटेंस जो है, सेंटेंस के जो दो दो क्लॉज है वो अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा सेंस कंप्लीट कर रहे हैं. दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. ये जो क्लॉज है जो पूरा मायने इसमें कंप्लीट होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, या इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस लाइक एंड बट और सो. तो इनको जो कंजंक्शन है बीच में, ये एंड, ये बट, ये और ये सो, ये कंजंक्शंस है. इन कंजंक्शन से इन दो क्लॉज को जोड़ा जाता है. सच कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स. तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं ऐसे, ये कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं, ये एंड, बट और सो. अदर कोऑर्डिनेटर्स आर, दूसरे भी और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो यहाँ पे दी गई है, उनकी लिस्ट देखिए. एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, येट, स्टिल, हाउएवर, उसके बाद नेवरदलेस, और नॉर, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, सो, देयरफॉर, दस, हेंस, फॉर, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटर्स है कंजंक्शन से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 2, पिक आउट द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड एनसर्कल द कोऑर्डिनेटर. यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको पहचानना है नीचे के सेंटेंस में, और जो कोऑर्डिनेटर है बीच में उसको आपको इनसर्कल करना है, उसके अतराफ में एक सर्कल बनाना है. शी बैग्ड अ सिल्वर मेडल एंड शी फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम. ये पहला एक क्या हो गया है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है. ये दूसरा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, अंडरलाइन क्या हुआ. और इसमें कोऑर्डिनेटर कौन सा है, ये एंड है. इसमें भी पीवी सिंधु इज एन एस शटलर, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है. शी वाज बॉर्न टू वॉलीबॉल प्लेयर्स, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है. और ये बट क्या है, कोऑर्डिनेटर है. वैसा ही नीचे भी आप जो है ये अंडरलाइन किए हुए, ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस है, और ये सर्कल किए हुए कोऑर्डिनेटर्स है.
तो ये यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।